सो जी, इस नज़ारे के साथ यहाँ अपनी थार खड़ी है, यहाँ पे अपन रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या नाम है भैया जी आपका? क्या जी? फुनसुख वांगडू। अरे वाह। सो जी, वो आगे अगर आप देखोगे, बुलडोजर नीचे सामान फेंक रहा है, माल फेंक रहा है, सारा का सारा जो ब्लास्टिंग करके निकलता है। सो जी, फाइनली खारदुंगला टॉप अपन ने कर लिया। 5 मिनट गाड़ी के अंदर बैठा हूँ भाई, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, सांस ले पा रहा हूँ ढंग से। अब यहाँ वॉक करके वॉशरूम तक गया था मैं, वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब है भाई। नीचे साउथ पोल, साउथ पुल्लू में यू कैन स्टे फॉर अ वाइल और आप वहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, वॉशरूम में मेंस वॉशरूम वो ही है ही नहीं भाई, बस आपको करना है। सो अर्जेंट था तो अपन ने कर लिया। फिलहाल अब खारदुंगला टॉप तो भाई बोलते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ। भाई अभी भी भाई अपन से ढंग से बात नहीं कर पा रहे अपन। बाय ब्रदर, ऑल द बेस्ट। सो आई मेट अ गाय फ्रॉम चेन्नई मैन एंड टुक सम पिक्चर्स फॉर हिम, ही टुक सम ऑफ माई पिक्चर्स एंड दैट्स हाउ सोलो पीपल डू। और अभी भाई बाहर का जो नज़ारा है वो आप देख ही रहे हो। आई थिंक आई कैन टेक अ रिस्क ऑफ शूटिंग इट विद फ्रॉम Insta360। तो Insta360 निकालते हैं। उससे शूट करते हैं थोड़ा। देख ही रहे हो, बिल्कुल अपने लेफ्ट में फुल ऑन स्नो है और राइट में पूरी वैली है जहाँ पे बर्फ भी है, खाई भी है। सो रास्ता कुछ ऐसा है भाई सामने। I'm doing a left hand drive और यहाँ भोले बाबा का मंदिर है। जय भोले बाबा, जय श्री राम, जय माता दी। शुक्रिया मैं यहाँ तक आ पाया, ये देख पाया, इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हो पाई लाइफ में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, स्पेशली ट्रैवल के टाइम पे। सो ये एक सपना था करना और फाइनली अपन ने कर लिया एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ थार, आई एम प्राउड ऑफ ऑल द पीपल जो जर्नी में मिले मुझसे यार, और उन नए लोगों के साथ अपना कनेक्ट बना। सो वेरी हैप्पी। हाथ मेरा जम गया भाई बिल्कुल शूट करते करते।
सो जी हाथ अपने पूरे के पूरे जम चुके हैं इस वक्त। मुझे आइडिया नहीं था इतना ठंड होगा करके, होता तो मैं थोड़ी मोटी वाली जैकेट डाल लेता यार, प्लस ग्लव्स निकाल लेता, बिकॉज मन बहुत है शूट करने का Insta360 से। बट भाई सच बता रहा हूँ, जैसा अपना जितनी ठंड आ रहा है ना, हाथ पूरा जम जा रहा है। मैंने 3 मिनट शूट करा है और 3 मिनट में मेरा हाथ पूरा का पूरा जम चुका है। फिलहाल भाई ये रास्ता है, अभी फिलहाल ढलान है इस रास्ते पे, विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल एज अ स्केरी थिंग। जैसे मैं कहता हूँ कि ढलान थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चढ़ाई के मुकाबले। सो धीरे धीरे अपन चल रहे हैं इसी रास्ते पे। तुंगला पास, फाइनली वी डिड इट। सो जी जस्ट अभी खारदुंगला पास क्रॉस किया है मन्ने। सो जी ये देखो बर्फ सामने, और यहाँ देखो भाई खजाना बर्फ का। सो जस्ट अभी खारदुंगला पास क्रॉस किया है हमने, ए फेस फाइनली वी डिड इट, खारदुंगला पास ऑन द वे टू नुब्रा। और भाई पूछो मत, मज़ा आ गया। 18,000 फीट की हाइट पे थे अपन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़ारे देखे हम लोगों ने ऊपर से, थैंक्स टू BRO कि सड़कें इतनी अच्छी बनाई हुई हैं इस रोड पे भाई, कि हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। और जो भी लोग ये लोग काम कर रहे हैं सामने, मेरा डैश कैम गिर गया है, इसको भी रुक के लगाऊंगा। जो भी लोग ये काम कर रहे हैं भाई, शुक्रिया आप लोगों का। आप नहीं होते तो हम लोग ये नहीं कर पा रहे होते। इतने मुश्किल में भाई ये लोग जी के यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे लिए, आर्मी के लिए, BRO के लिए। और भाई नज़ारा देखो सामने यार, जहां कैमरा घुमा रहा हूं वहां सिर्फ बर्फ है और अच्छे नजारे हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है भाई आज। सो भाई थोड़ा सा गंदा पैच पर टर्न है नीचे को। सो भाई टर्न पे तो स्पेशली ध्यान देना है। जो भी लोग भाई बाइक से आते हैं,
I have a huge respect for these guys. ये देखो भाई MP की गाड़ी है, ग्रैंड विटारा, ये ऊपर भी मिला था अपन को, फुल बर्फ में फोटो खिंचवा रहे हैं फिलहाल अभी अपन को। फिलहाल भाई ये करने का शौक नहीं है, अभी 3 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है नूबरा के लिहाज से और रास्ता अब फिर से खराब हो चुका है। सो लेट्स फोकस ऑन द रोड्स। थोड़ी दूर तक खराब है नीचे रास्ता, उसके बाद सही हो जाएगा, नीचे दिखा रहा है। सो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, इसको बनाया जा रहा है फिलहाल अभी। सो भाई अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, गाड़ी के अंदर अपन सांस ले रहे हैं मस्त, और यहाँ पे आगे सीमेंटेड रोड शुरू हो जाती है, इधर फिलहाल काम चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है भाई, इन कंपैरिजन टू चारकोल रोड्स, अभी फिलहाल इन लोगों ने ना जोजिला पास पे ये टाइल वाली रोड्स थी, मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रही हैं चारकोल रोड से। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल कि ये ना रिप्लेसेबल, ये रिपेयर बहुत ईजिली हो जाएंगी कि टाइल वाइल टूटी, इन्हें सिर्फ टाइल लेके आना और रेत लेके आनी और भर देना, सो इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला ये। रिकॉर्ड करने के चक्कर पे अपन बहुत स्लो ड्राइव कर रहे थे अभी तक, और अभी फिलहाल चलते हैं नीचे को फटाफट भाई, अपना रास्ता कवर करते हैं। 3 घंटा 11 मिनट 115 किलोमीटर स्टिल अहेड। सो रास्ते में कहीं पे ब्रेक लेते हैं यार, भूख लग रही है बिकॉज अपन 5 बजे के उठे हैं, और इतने अच्छे नज़ारे के बाद थोड़ा कुछ खाना पीना तो बनता है। फिलहाल अपन पानी पी रहे हैं, बीच बीच में फ्रेश होते जा रहे हैं भाई। पानी भाई आपका मन नहीं करेगा पीने का बिकॉज ठंड यहाँ बहुत है, लेकिन आपको पीना है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अपनी ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहते हो तो भाई पानी पियो, एक वही चीज़ है जो आपको बचाएगी। मैंने अभी तक एक भी बार डाइमॉक्स नहीं खाई है भाई, मैं मेडिसिन के साथ खिलाफ हूँ अंटिल एंड अनलेस की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन सिचुएशन हो और ऐसी बीमारी हो कि बिना दवाई के ठीक ना हो सके, मैं डॉक्टर के पास जाना पसंद भी नहीं करता। सो अगर आप डाइमॉक्स खाना पसंद करते हो तो आप खा सकते हो, चॉइस है आपकी भाई, बट पानी आपको तब भी पीना पड़ेगा। सो पानी पीते रहे, और अगर आपको लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जल्द से जल्द उस एरिया को छोड़ के लो अल्टीट्यूड में पहुंच जाए भाई। फिलहाल अभी रोड्स जो है भाई बम्पी हो गई है, ख़राब हो गई है, टूटी हुई रोड्स है काफ़ी ज़्यादा। सो कैमरा करते हैं बंद बिकॉज अपनी बैटरीज जो है भाई ड्रेन आउट हो रही हैं बैक टू बैक, ये तीसरी बैटरी है जो ड्रेन आउट हो चुकी है सुबह से जब से अपन निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है भाई अप्रॉक्सीमेटली 8:30, 2 घंटे में अपन 3 बैटरी ड्रेन आउट कर चुके। सो ठंड इस तरफ है ज़्यादा, सामने नज़ारा भाई एक नंबर है, और मन नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का बट करना पड़ेगा, मिलते हैं आगे। सो जी नॉर्थ कुल्लू पहुंच गए अपन, ये लेफ्ट में नॉर्थ कुल्लू का
बोर्ड है और यहाँ पे आके बीआरओ की चेकिंग हुई है। कैमरा बंद कर देते हैं थोड़ी। सोचिए ऐसी कोई चेकिंग वेकिंग हुई नहीं है। नॉर्थ पुल्लू अपन पहुँच गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है भाई ये। सो यहाँ पे कैफेज हैं सामने। सो यहाँ पे द बाइकर हाउस करके कैफे है। काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स आए हुए हैं भाई यहाँ पे। सो रुकते हैं भाई, सुबह सुबह का टाइम है, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। वैसे आगे भी है जगह, अपन आगे भी रुक सकते हैं, यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं है ना। आगे लेफ्ट में रुकते हैं यहाँ पे, खाली है थोड़ा, इजीली और जल्दी मिल जाएगा। सो जी इस नज़ारे के साथ यहाँ अपनी थार खड़ी है, यहाँ पे अपन रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सो भर अपन ने ब्रेड ऑमलेट बोल दिया है भाई को, यहाँ पे अंदर भाई अपने लिए ब्रेड ऑमलेट बना देंगे। मैगी, ब्रेड ऑमलेट, पराठा सब कुछ मिल जाएगा इधर, बाकी खा के सीधे निकलते हैं यहाँ से। इस तरफ ठंडा रहता है, ठंडा है इस तरफ, हाँ बहुत ठंडा है। रात को कितना ठंडा रहता होगा, रात को कितना जाता होगा टेम्परेचर? रात को पता नहीं, ठंडा तो बहुत ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। शाम को ज्यादा रहता है ना ठंडा। अच्छा, सॉरी, करते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे भाई, प्याज टमाटर मिर्ची बिस्किट्स खाने में भाई आपको मिल जाएगा जो आपको खाना है। बाकी अपन तो अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ऑमलेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? क्या चीज? फुनसु फोंगड़ू। अरे वाह, ये तो जाना पहचाना नाम है। सोचिए यहाँ पे कैंड भी यूज़ करते हैं सर्दियाँ जब ज़्यादा होती है। वैसे सब्जियाँ लद्दाख से आती हैं, बट अगर नहीं हो तो कैंड मशरूम है, कैंड मटर है, नहीं तो ड्राई मटर भी होती है। सो अपन ने ऑमलेट बनवाया एक, और एक टॉपरमन बनवाया, और ये भैया हमारे लिए बना देते हैं। सो अपन मस्त बाहर बैठ के धूप में खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से यार। सो जी यहाँ पे अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट, अपन खा रहे हैं ऑमलेट। ब्रेड नहीं ली, मन नहीं कर रहा ब्रेड खाने का, सिर्फ ऑमलेट ऑमलेट और मैगी, लोग टॉप रामन होते हैं। सो भैया टॉप रामन बढ़िया है, ठंड हो रही है यहाँ पे तो गरम गरम खाने में मज़ा आ रहा है। सो खारदुंगला से उतरने के बाद भाई यहाँ पे आप नॉर्थ कुल्लू में एक हॉल्ट ले सकते हो थोड़ी देर का, क्योंकि क्या है ना, इतना चढ़ाई के बाद गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। सो आधे घंटे का हॉल्ट लेके अपन निकल चलेंगे आगे। 20-25 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पम्प और पड़ने वाला है। तो अपन डीजल फुल कराते हुए चलेंगे, रीजन बीइंग बिकॉज कल अपन को पैंगोंग के लिए भी निकलना है, तो जहाँ जहाँ डीजल मिलेगा अपन फुल कराते रहेंगे ताकि अपन को वापसी में दिक्कत ना आए। तो जी एक छोटे से ब्रेक के बाद हम निकल चुके हैं नुब्रा वैली के लिए। बस अभी मूव कर रहा हूँ यहाँ से। इस तरफ नॉर्थ पुल्लू में काफ़ी ज़्यादा कैफे मिल जाएंगे आपको, तो ब्रेकफास्ट अपना डन हो गया, बाकी बैंक इन्फॉर्मेशन मैंने भेज दी है,
जीना के पास और अपनी बहन के पास, ताकि भाई वो लोग टाइमली जाके बैम को इन्फॉर्म कर दें यार छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और छोटे मोटे अमाउंट की बात भी नहीं है यार, बात 100 रुपये की होती तो भी चलता, ही तो 10,000 की है, तो वो लोग जाके एक बार कंप्लेंट रेज कर देंगे। मोस्टली वैसे 24 आवर्स का टाट होता है जिसमें पैसा वापस आ जाता है। सो लेट्स सी, अभी यहाँ से 2 घंटा 54 मिनट्स दिखा रहा है। सो अभी कंटिन्यू करते हैं इसी रास्ते में भाई, आगे एक जगह पे पेट्रोल पंप आएगा 20-25 किलोमीटर बाद। सो वहाँ पे आपको बता दूंगा मैं कहाँ पे पेट्रोल पंप है एग्जैक्टली। बाकी ये देखो भाई ऊपर गाय, याक टाइप गाय है, याक नहीं है एग्जैक्टली, ये मिक्स ब्रीड है। सो ये मैंने लास्ट टाइम स्पिति में देखा था, याक जैसे दिखते हैं लेकिन याक होते नहीं, वैसे ही मिक्स ब्रीड क्रॉस ब्रीड करा के ये होते हैं, इनसे प्रॉपर खेती का यूज़ किया जाता है। बाकी सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है फिलहाल अभी, और अभी ये खारदुंगला रोड ही है 35 किलोमीटर तक पूरी। सो कंटिन्यू करते हैं इसी रास्ते पे, सड़क अच्छी है, भगाते हैं गाड़ी फटाफट। सो जी ऑन द वे टू नूबरा वैली, अभी ये खारदुंगला रोड ही है और सामने देखो भाई पहाड़ों के ऊपर आपको दिखाई देंगे बादलों की परछाई, बहुत ही सही लगता है यार, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, अभी 27 किलोमीटर खारदुंगला रोड ही है, सो कंटिन्यू करते हैं इसी रास्ते पे। सो जी ये शुरुआत हो गई है खारदुंग विलेज की, अभी हम 14,500 फीट की हाइट पे हैं खारदुंग विलेज। इस तरफ भी रेस्टोरेंट्स और स्टेज मिल जाएंगे इजीली। बाकी खारदुंग विलेज भाई अच्छी खासी वैली के अंदर बसा हुआ है, अगर आप देखो सामने सिर्फ बड़े बड़े जाइंट पहाड़ हैं और उसके अंदर ये छोटा सा एक विलेज है खारदुंग। सो काफ़ी अच्छा और सुंदर विलेज है। अभी फिलहाल इसको क्रॉस करके अपन चल रहे हैं आगे, और सामने का नज़ारा तो भाई एक नंबर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। आगे फिर से खराब रास्ते शुरू होने वाले हैं, गूगल मैप ने येलो दिखा दिया यहाँ पे बिकॉज ऑफ द बैड रोड्स। ओह फक, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी रोड्स हैं। बाकी नज़ारे बहुत सुंदर है भाई, फिलहाल इन रास्तों को क्रॉस करके आगे निकलते हैं। सोचिए एक छोटे से पैच के बाद रोड फिर से अच्छी हो गई है, और इन रोडों के आसपास काम लगा हुआ है अभी भी जगह जगह पे, ये लोग रोड को जो छोटे पत्थर होते हैं वो साफ भी कर रहे हैं, प्लस साइड बाय साइड बड़े पत्थरों को भी अलग से साइड में लगा दे रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में यूज कर सके। अभी देखो अच्छा खासा पैच आया था, अब फिर से एक खराब पैच आ गया,
सो बीच बीच में ऐसा ही हो रहा है, अच्छा पैच है फिर खराब पैच है, अच्छा पैच है खराब पैच है। सामने आपको दिख रहा होगा भैया झाड़ू लेके खड़े हैं, ये रोड पे जो भी छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं इनको हटा दे रहे हैं। वैसे रीजन बीइंग वही है कि यार जब आप अच्छी रोड सोच के स्पीड में आ रहे हो तो छोटे छोटे पत्थर भी आपको नुकसान दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। गूगल फिलहाल अभी सो कंटिन्यू करते हैं भाई इसी रास्ते पे, वी रोड्स फिर से बेटर हो गई थोड़ी, खींचते हैं जहाँ गाड़ी खींच सकते हैं वहाँ खींच लेते हैं, जहाँ स्लो चलाना है वहाँ स्लो चलाएंगे। सो भाई एक अच्छे खासे लंबे पैच के बाद एक बिल्कुल ही खराब पैच आ गया है, यहाँ पे काम चल रहा है तो अभी निकलते हैं यहाँ से, तो पूरे रास्ते में आगे काम ही काम चल रहा है भाई, हर जगह लोग लगे हुए हैं रोड को बेटर करने के लिए। एंड भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे काम करना, लेकिन भाई लोग फिर भी लगे पड़े हैं, सामने अगर आप देखो पत्थर तोड़ा जा रहा है और साइड में दीवार बनाई जा रही है उन्हीं पत्थरों से, जस्ट कि सेफ्टी बेटर करी जा सके। रास्ता ऐसा ही है लेकिन पीछे बहुत लंबा अच्छा खासा पैच जो था तो हारदुंग विलेज के बाद से रोड्स बहुत प्यारी थी अभी तक, अब फिलहाल कुछ थोड़ी देर तक ये रोड्स ऐसी है जहाँ पे काम चल रहा है। सो ठीक है, जहाँ पे अच्छी रोड्स होती हैं वहाँ पे अच्छी हैं भाई, वहाँ गाड़ी भगा लो, जहाँ पे थोड़ी ख़राब है वहाँ पे फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। सो भाई ये आखिरी जो पैच है 2.5 किलोमीटर्स का हारदुंगला रोड का, ये भाई बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है, मतलब रोड है ही नहीं, मतलब ऑफ ही है सर। खालसर में हम लोग, और अभी गाड़ी पीछे हो रही है एक ताकि अपन लोग आगे निकल सके, और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। सो ये लास्ट का 1.8 किलोमीटर्स है हारदुंगला रोड का, बस ये क्रॉस करके खालसर के आसपास ही मुझे पेट्रोल पंप बताया था, सो अपन एक रिफिल करा लेंगे वहाँ पे, फिलहाल यहाँ से गाड़ी निकालते हैं भाई। तो भाई जैसा सपोर्ट अभी चल रहा है ना, ये दोनों तरफ लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, ऐसे ही दुनिया में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करते हैं ना, तो भाई ये दुनिया एक अच्छी जगह बन जाए। गूगल यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर माई थॉट्स। गूगल भी आज
रास्ता भाई ये है खलसर, पीछे इसका माइलस्टोन लगा हुआ था, खलसर शुरू हो चुका है यहाँ से। और बीच में भाई मेरा ना फोन डेड हो गया, और अभी क्या सीन है ना कि एंड्रॉयड वाले फोन में जियो का सिम है जिसकी थ्रू हॉटस्पॉट चला के मैं अपना आईफोन भी चला रहा हूँ। अब ये डेड हो गया, आईफोन में नेटवर्क चल नहीं रहे तो कुछ दिखा नहीं रहा। अब मैं भाई गाड़ी साइड में लगाई, 5 मिनट फोन चार्ज किया, जैसे ही फोन ऑन हुआ तो दिखा रहा है कि योर डिवाइस इज वेरी हॉट। एसी ऑन करा और एसी ऑन करके लगा दिया उसके आगे, फोन के आगे, ताकि फोन अपना जल्द से जल्द ठंडा हो जाए और अपन निकल पाए यहाँ से। बिकॉज बीच में पैच ही एक ऐसा आया भाई, बहुत कंफ्यूजन पैच था, समझ में नहीं आया कि भाई सही जा रहे नहीं जा रहे। खैर फिलहाल रास्ते भी फिलहाल रास्ते पूरे के पूरे ऑफ रोड ही है, और यहाँ पर जगह जगह पे भाई ये नेचुरल है, हाँ नेचुरल ही है। ये साइड में सड़क पे आ रखा है सारा का सारा पहाड़ का जो मलबा है, और उस चक्कर में जगह जगह पे पास देना पड़ रहा है गाड़ियों को। ओ भाई ले कति बवंडरी आ गो भैया, इसके पीछे चलना तो और खतरनाक है। इस ट्रक के पीछे देख रहे हो क्या लेके जा रहा है सामने, फुल बड़े वाले बहुत पत्थर, जरा सा एक बम्प इसने लिया एक पत्थर नीचे गिरेगा उड़ता वही पीछे आएगा। इसको डॉज करते हैं भाई, तो जी एक छोटा सा विलेज आया है ये, और क्या है इस विलेज का नाम, खलसर नुब्रा। सो खलसर है भाई ये विलेज पूरा का पूरा। सो यहाँ पे एक एरिया आता है भाई ये फुल गोम्पा, और अगल बगल रेस्टोरेंट्स हैं, गेस्ट हाउस, ढाबा, सब कुछ है। अब यहाँ पे ये रहा भाई, ये है भाई डिस्किट के पास, ये है पेट्रोल पंप। सो भाई पहले तो अपन भराएंगे पेट्रोल, ऑल दो अपने पास है लेकिन फिर भी अपन भरवाएंगे क्योंकि हमें भरवाना है, क्योंकि हम भरवाएंगे। यहाँ पे 88.12 का रेट है डिस्किट। अभी फिलहाल अपन है नुब्रा में, खलसर टीम हो रहा है, हाँ जितना जा सकता है डाल लो। पैंगोंग के लिए रास्ता, पैंगोंग के लिए सर आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद वो जो गेट दिख रहा है पार आपको, हाँ छोटा सा, हाँ वहाँ से राइट लेना है सर। अच्छा, और हुंडर के लिए, हुंडर के लिए सीधा यही रास्ता है ना, डिस्किट हुंडर, ठीक है। से आपको 7 किलोमीटर आगे पड़ेगा। ठीक है जी, शुक्रिया भाई जी। सो भाई अपना सुबह हमने 1000 कुछ का भरवाया था, अभी फिर उतने का ही भरा लेते हैं। सो अभी जैसे मैं आज हुंडर स्टे कर रहा हूँ, कल पैंगोंग जाना तो इसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा ना जी, वापस आना।
चलो फिर तो फिर यहाँ ऑफ दोबारा रिफिल करा के अपन पैंगोंग निकल जाएंगे।